मजा आया इस बारी पे, और अब्बू की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। अब तो फिर से आ जाऊंगी ना, दो तीन दिन बाद दोबारा से आ जाऊंगी। हमारे साथ ही चले तो भरा भरा था ना अचानक से, खाली हो गया था ना, फिर भरा भरा था ना, तो फिर अब वो अब्बू भी परेशान हो गया। Another vlog, welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. आज है ईद का थर्ड डे एंड ये मैंने अपनी ईद का आउटफिट पहना है। सो वैसे तो मैंने अपना गोल्डन वाला आउटफिट आप लोग को दिखाया था, वो मैंने पहना नहीं क्योंकि उसकी उसको ऑल्टर करने की सख्त जरूरत थी, बहुत बड़े साइज का था। सो या सो ये दिस इज माई आउटफिट एंड दिस इज फ्रॉम एथनिक। यहाँ पे मेहरान विल्दान भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं एंड आई डोंट नो अब आज हम लोग क्या करने वाले। कुछ ऐसे हम लोगों का प्लान है नहीं, बट लेट्स सी आज क्या होता है। व्हाट हैपेंड? She just gave me water to me, but she just gave me only empty glass. Oh, okay, I'll give you. Hi Mikael. Can you give me ice cream? Hi baby. Hello. Hi. क्या सब भूख सही नहीं, कुछ अच्छा हुआ खिला दो और मजा आ जाए, दिल से दुआएं निकले तुम्हारे लिए। ईद मुबारक, इट्स ईद डे 3, फर्स्ट आपको ईद मुबारक कहना है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी भी ईद चल रही है। विल्दान ने तो अपना हशर बुरा कर लिया। विल्दान शो योर आउटफिट, शो योर ईद डे 3 आउटफिट। लुक एट योर व्हाट ईद का डे 3 बहुत बोर गुजर रहा है, क्या कुछ करो, डू समथिंग, एंटरटेन अस। चलो खिलाने चलो तुम। ये क्या, इनका दिन अच्छा गुजर सकता है तुम्हारे हाथ में। मेहरान शुजरा कुछ अच्छा सा खिला। कैन वी गो समवेयर इफ यू कैन टेक अस? लेट्स गो आउट विल्दान, लेट्स गो आउट विल्दान। आई होप आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा हो। कल का डे तो बड़ा ही हैपनिंग था, बट आज उतने ही लाइक बहुत स्लो जा रहा है। अभी मेरी दो सिस्टर्स अपने घर गई हैं एंड एज सच कुछ हो नहीं रहा। अभी मैं, हमारी फैमिली है और हुसैन लोगों की फैमिली है अभी। एंड अभी मेरा आधा मेकअप तो पूरा उतर गया, मतलब अभी तो मैं पुरानी हो गई हूँ। शाम में एक्चुअली तैयार होते शूट के लिए, हम लोगों ने शूट किया, काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली। एंड प्यार शहरों के गए थे, बट अब थोड़े से पुराने हो गए। बट अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम कहीं बाहर जाए डिनर के लिए, लेट्स सी क्या होता है। एंड या बच्चों की आप देख, टाइम हो रहा है लेके चलना है तो बताओ, नहीं लेके चलो मैं क्या लेके चलूं, कार तुम्हारी है, यू हैव कार बट यू हैव मनी। नो आई डोंट हैव, प्लीज मेरे ना पीछे पड़ो, मेरी इतनी ईदी भी नहीं, मेरी तो ईदी भी नहीं, मेरा मेरी ईदी तो यार तुमने मुझे ईदी नहीं दी, ना हुसैन ने दी है ना तुमने दी है। हुसैन ईदी दो उसको भाई, दी दो ईदी। कितनी चाहिए? जितनी तुम दे दो। सैडली अब तुम पे हमारा वो हक नहीं रहा जो तुम्हारे हस्बैंड का तुम पे है। तो क्या मतलब? हाँ सुन लो, क्या क्या कह रहा है हुसैन, क्या कह रहा है? हाँ आई सेड सैडली तुम पे हमारा उतना हक नहीं रहा जितना हक तुम्हारे हस्बैंड का है। जी नहीं भाई भाई रहते हैं, हस्बैंड हस्बैंड होता है और भाई भाई, जी नहीं हस्बैंड हस्बैंड होता है और भाई भाई होता है, तो भाई को अलग ईदी देनी चाहिए, हस्बैंड को अलग ईदी देनी चाहिए। सीरियसली इतने महंगे महंगे हम लोगों ने विल्दान के इस ईद पे आउटफिट्स लिए हैं और बेकार, सब बेकार। कल की भी इसके आउटफिट का ट्राउजर फट गया और आज की भी आउटफिट का ट्राउजर फट गया। मैं तो प्रेफर करूंगी कि अब मैं जो है विल्दान का कोई मैं महंगा आउटफिट ना लूं। नाइस थे मेरे साथ शूट पे कोऑपरेट किया है, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी, लिटरली मुंह लटका के खड़ा हुआ था। वाओ यहाँ पे तो फुल ऑन माहौल हुआ हुआ है यार, ईद का, ईद तो ये लोग मना रहे हैं। अच्छा ये हर ईद पे यहाँ पे मेला होता है, चलो यहाँ चलते हैं, मेला लगा हुआ है। Let's go guys. एक
कह रहा था एक बार तुम मौत का कुआं यहाँ पे देखने के लिए गई थी, ये तो सर्कस लगता है। मुझे अभी तक याद है अंदर तो वो यही तो था, यही तो अंदर डांस भी चल रहा होता है जी। अंदर डांस चल रहा होता है और इधर उधर बाइक घूम रही होती है, चले गए बाइक और कार भी थी। इट वुड बी फन। नहीं नहीं अब कोई फन नहीं। आई थिंक वी शुड गो देयर। यू वांट टू गो विल दैट? भाई सेफ थोड़ी है, कोई टूट फूट के गिर जाए फिर क्या करोगे? ट्रैफिक चेक करोगे? पे करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे इतने अच्छे क्लिप्स नहीं है, इतने अच्छे यूट्यूबर से तुमने वीडियो बनवाई है। पे मुझे नहीं करना पड़ेगा, पे तुम्हें करना पड़ेगा। अभी रेस्टोरेंट में वो तो तुम बोल के निकली हो भाई। आई स्वेयर टू गॉड तुम बोल के निकली हो। आई स्वेयर टू गॉड मैं बैग नहीं लाई। अच्छा तुम सिर्फ बैग घर से नहीं लाई हो ना? कितनी देर लगेगी पिक करने में? आधा घंटा और लगता है। मैं कराची से ही नहीं लाया। देख लिया गाइस आप लोगों ने, ट्रैफिक गाइस आप लोगों ने कितना देख लिया है कि कितना है। तो हमने वापस तो जा ही नहीं सकते, तो अब इन दोनों की जेबों से मिखाइल। यार मिखाइल नो नो मिखाइल नो मिखाइल। गाइस इज क्रेजी। ओह माय गॉड दिस इज ईद इन हैदराबाद। ओह माय गॉड। चलो भाई यहीं से आइसक्रीम यहीं से ही खानी है। आइसक्रीम क्यों खाना नहीं खाना पहले? नहीं मतलब इतना रश है तो दैट मींस कुछ मजे का ही मिल रहा है ना यार, इतना रश है यार। देखे दे मैं तब भी ना खाऊं इतना रश में भाई। गाइस ओके गाइस सो हम लोग यहाँ पे आए थे बिकॉज़ ये आजकल बड़ी फेमस चल रही है। ओह माय गॉड हां ये देखिए हम यहाँ पर आए थे बट आप देख सकते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग सोच भी नहीं सकते अभी अंदर जाने का। हाँ हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत अब जवाब दे दी। गाइस अब हम लोग आ गए हैं एक और जगह, दैट इज बलूचिस्तान से। आगे से चिकन टिक्का जो है ना 900 रुपए का इनके पास। चलो यार 900 रुपए का चिकन टिक्का क्या करें? सुधरा कह रही है भूख मर गई। मेरी भूख मर गई निकाय, मेरा पेट फुल है। बाहर से एग ले लेते हैं। अंडे आलू खा लो तुम जल्दी से हुसैन, ऑर्डर कर भी चुको। इतना बड़ा ऑर्डर है, इतना बड़ा ऑर्डर है, सिर्फ एक ही सलाद? दो हैं मेरे ख्याल से। इनफ है। फिर से बोलना जल्दी। हां इतना जल्दी? ये हैदराबाद है बेटा, डोंट फॉरगेट दैट। तो परसों खाना दिया गरम करके। ये बहुत बहुत कम आया यार, इतना जल्दी कैसे आ गया खाना? ये पहले का बना हुआ तो नहीं रखा हुआ था? और गार्ड लेके आया सर आपके लिए, आपके लिए। अच्छा यार मेहरबानी आपकी, जबरदस्त। ये तो जबरदस्त सीन हो गया। बहुत सारा सा बाबा वो ओके मिकाई ओके निकाल चिकन। व्हाट इज दिस टिक्का? नहीं नहीं ऐसे मजे का है ना, बहुत मजे का है। हम लोग गए थे बलूचिस्तान से जी, बट हम लोग वहां से वापस आ गए क्योंकि रश बहुत था और यहाँ सुकून है। तो हम लोग अभी आए खान बारबेक्यू हैदराबाद पे। मीठा आ गया है वो सुनत पूरी कर रहा हूं। अभी हम लोग घर पर आए और घर पे तहरीम का मुंह बना हुआ है। तहरीम ने रो रो के बुरा असर कर दिया है, मुझे क्यों छोड़ के गए तुम लोग? नाराज होने की जरूरत नहीं है तहरीम, इज सीरियसली क्राइंग। Are you crying? आप लोग सब जाएं। तहरीम बोलो। आज का टाइटल होगा तहरीम हो गई नाराज। बहुत मजे लिए इस बेचारी के, एक तो उसको छोड़ के चले गए हो तुम लोग। कौन लोग? तुम लेके तुम गई थी लीड, तुम कर रही थी सबको। खाकर आ गए इतने मजे कर कर आए हो तुम और बेचारी तहरीम को नहीं लेके गए। तो तुम लेके जाओ ना लीड तो तुम कल जाएंगे हम, मैं और तहरीम जाएंगे बस। और मैं हम पहुंचना है 4 बजे से पहले और हम किसी को नहीं लेके जाएंगे। कल का लंच हम KFC में करेंगे ठीक है? ये इधर आप किधर चौका ठीक है सोए जाके फोन ले जाना मेरा ठीक है। ओ स्माइल आ गई, स्माइल आ गई। और बैक होम और घर पर आते ही तहरीम की शक्ल तो आपने देख ली। एक्चुअली ये थी अपने दोस्त के घर, तो हमने कहा कि भाई दोस्त के घर गई है तो पार्टी शार्टी का सीन होगा। ये मुझे सुबह से कह रही थी कि कहीं बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। मेरे भी जहन से निकल गया, मैंने कहा ठीक है तहरीम तो गई हुई है तो वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गई थी। मैंने कहा भाई पार्टी शार्टी कर कर ही आएगी, पीछे से घर आई है। तो इसने देखा कि घर पर तो कोई भी नहीं है, तो इस रो रो के अपना बुरा शर कर देगा मुझे छोड़ के चले गए
सो अभी हम उसे मना कर आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और 2:30 बज गए रात के, सुबह हमें निकलना है, सुबह तो नहीं बल्कि 12-1 बजे तक हम लोग निकलेंगे कराची के लिए वापस। ईद हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह स्पेंट वेल विथ माई फैमिली, अम्मी अब्बू एंड ऑल, बहुत मज़ा आया इस ईद पर, तो बहुत मज़ा आया। सो सब अल्लाह हाफिज़ हो रहा है, हॉस्पिटल पहुँच जा रहे हैं। अबू आप कब आ रहे हैं कराची? आप बस इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, बस जल्दी आ जाऊंगा। अबू कभी नहीं आते, कराची का नाम सुन के ही अबू बोलेंगे नहीं मुझे नहीं आना। बस अल्लाह आपको हिफ्ज अमान में रखे और हिफ्ज अमान से ले जाए कराची। बहुत मजा आया इस बारी। This must be the hardest goodbye for every daughter. Even though मैं कहीं दूर नहीं जा रही थी, we could meet again, but still मीकू के घर जब भी मैं जाती हूँ उसे वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा मैं मीकू को ऐसा रोता छोड़ कर आती हूँ। It's very difficult for me, especially my father is very 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 emotional. हम सब बेटियों को लेके very emotional. This is a feeling I just can't explain in words. आप में से जो भी मैरिड गर्ल्स होंगी वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। अबू के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, आप सब का साया पर हमेशा सलामत रहे हमेशा। आई एम ग्लैड कि मैं अम्मी अबू की बहुत सारी मेमोरीज इस तरह की कलेक्ट कर पा रही हूँ थ्रू माई व्लॉग्स, जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। चलो अल्लाह हाफिज़। तो भरा भरा था ना अचानक से, घर भरा भरा था ना, तो फिर अब अबू भी परेशान हो गया। 12 बजे कराची मुझे थींदा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सारी चीजें पड़ी हैं छोटी मोटी, पता नहीं क्या बच्चे जी अबू संभाल लें। विदान ये वाटर बॉटल नजर आ रहा है मुझे। से अल्लाह हाफिज़ नाना, हगी करो विदान। अल्लाह क्या करो, कमो जल्दी से। It was the best Eid ever. Allah Hafiz. Okay, chal baaji. Allah Hafiz. Aap apne nahi Allah Hafiz. Isko to nahi lo. Tehreem ko hum naraaz karke ja rahe hain, isko kal hum leke nahi gaye. Ab Tehreem Karachi aayegi hamari. Yes, we are going back to Karachi. रैम्बो को भी हम साथ ले लेके घूम रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं रैम्बो भी हमारे साथ साथ जा रहा है। रैम्बो ने भी ईद हमारे साथ हैदराबाद में मनाई है। बहुत थक गए हैं, बच्चों के साथ ना 2 घंटे का सफ़र 5 घंटे का लगता है सीरियसली। सो अभी हम लोग आए हैं, रिलैक्स बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि आते ही मुझे एक टेंशन हो गई है, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने कुछ सामान भूल के आ गई हूँ हैदराबाद में, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ। सो वो मैं भूल आई हूँ और अभी मुझे इस बात की टेंशन लगी हुई है कि कहीं मैं विल्दान का आउटफिट तो नहीं वहाँ पर भूल के आ गई, क्योंकि विल्दान की कल है स्कूल में ईद मिलन पार्टी और उन्हें वो ईद वाले आउटफिट्स जो सब बच्चों के थे वही वो उन्हें पहन के आना है। बट मसला ये है कि बट अभी आधा सामान जो है मेहरान नीचे से लेने अभी आधा सामान मेहरान कार से लेने के लिए गए हैं। सो आई होप कि मैं विल्दान का वो ड्रेस वहाँ पे ना भूल के आई हूँ।
एंड या कुछ एक दो शॉपर्स और भी। जल्दी जल्दी में ना यही होता है, मैं सुबह से ऐसी बैठी हुई थी, मैंने कहा कर लूँगी पैकिंग, और जब जल्दी जल्दी में जब पैकिंग होती है ना तो फिर एंड में यही रिजल्ट निकलता है। ओके, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह इन अ नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ यू गाइस आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन सो यू गाइस कैन नेवर मिस अ वीडियो, एंड आल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, अल्लाह हाफिज़।